नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर। कंप्यूटर के नोट्स दोस्तों, महत्वपूर्ण नोट्स हैं यहाँ पर। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक दोस्तों करते रहें, कमेंट करते रहें और शेयर करते रहें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहे, आपके सामने अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएँ। तो दोस्तों लाइक तो बनता है, ज़रूर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने कर चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। विविध भारती सेवा का प्रारंभ किस सन में हुआ था? 1975 में हुआ था। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सर्च इंजन किसे कहते हैं? इंटरनेट की किसी वेबसाइट पर स्थित एक ऐसा एप्लीकेशन जिसकी सहायता से अन्य वेबसाइट का पता कर सकते हैं, सर्च इंजन कहलाता है। इंटरनेट टूल्स किसे कहते हैं? किसी कंप्यूटर के इंटरनेट से जुड़ने पर उसमें सफरिंग करते हुए एक वेबसाइट पर जाने तथा इंटरनेट की अन्य सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है उन्हें इंटरनेट टूल्स कहा जाता है। डेटाबेस किसे कहते हैं? किसी कार्य से संबंधित सूचनाओं या डेटा का व्यवस्थित रूप एकत्रीकरण ही डेटाबेस कहलाता है। ईमेल क्या है? दोस्तों यह सूचना संप्रेषण का एक रूप है। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। यह डाक के रूप में काम करता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में को डाक की सुविधा भेजता है, यानी कि ईमेल भेजता है। वीडियो डिस्क का प्रमुख लाभ क्या है? यह अधिक प्रकार की सूचनाओं को आकर्षण माध्यम में प्रस्तुत करता है। शैक्षिक दूरदर्शन क्या है? संप्रेक्षण तथा प्रसारण का मुख्य साधन है। भारत में दूरदर्शन का प्रयोग कब हुआ? 1959 को। इंटरनेट के जन्मदाता किसे माना जाता है? लियोनार्ड क्लोनारक को। इंटरनेट का जन्मदाता माना जाता है। स्लाइड प्रोजेक्ट क्या है? यह फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर का एक उन्नत रूप है। विविध भारती सेवा का प्रारंभ किस सन में हुआ? 1975 ईस्वी में हुआ। यहाँ पर आ जाते हैं हमारे दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आंसर हम लास्ट में दिखाएंगे। आपको अपने माइंड में रखना है याद करके, और कॉपी पेन ले लीजिए। आप देखते हैं कितने नंबर आपके यहाँ पर आ जाते हैं। हमारे 18 क्वेश्चन यहाँ पर बहुविकल्प के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने चारों रख दिए गए हैं। आंसर है इसका मदरबोर्ड, यानी कि ए। दूसरा क्वेश्चन है, पीसी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने दोबारा से रख दिए गए हैं। चार ऑप्शन हैं। इसका आंसर है पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है रिंग, पोर्ट, बस, यस। चार ऑप्शन है आपके सामने। इसका आंसर है पोर्ट, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने रख दिए गए हैं। जिसका आंसर है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ए नंबर। ये दोस्तों क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पार्ट जोड़ता है? तो ये जोड़ता है MIDI, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ जाता है दोस्तों, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेक्षण नियंत्रण करता है, कौन करता है? मदरबोर्ड, प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर और कोप्रोसेसर। तो यहाँ पर उत्तर इसका मदरबोर्ड। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर कौन सा है? ऑप्शन, चार ऑप्शन आपके सामने हैं।
इसका आंसर है डिस्क ड्राइव। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिल प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क, रोम, रैम या सर्किट बोर्ड? इसको कहते हैं सर्किट बोर्ड। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रूट डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, यहाँ पर प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? स्पेशल टूल्स, फाइल, एडिट। तो ये क्या आता है? फाइल सी। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? स्पेशल टूल्स, फाइल, एडिट। तो ये क्या आता है? एडिट। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? ऑप्शन आपके सामने चार रख दिए गए हैं। सी यानी कि फॉर्मूला बार। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? डाटा डिक्शनरी। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? स्पेल चेक। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सेस क्या है? बी डॉक्यूमेंट्स। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं? ए लेफ्ट। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग में चार्ट बनाए जाते हैं जा सकते हैं? सी यानी कि चार्ट विजर्ड। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।